ओ भाई, अभी भी चल रहा हूँ। ठंडा तो नहीं है वैसे यहाँ पे, जितना उज़्बेकिस्तान में समरकंद में था उतना यहाँ पे ठंडा नहीं है। काफ़ी गर्मी इलाका है, तो कहीं पे भी टेंट लगाना इतना मुश्किल नहीं होगा लग रहा है मुझे। वैसे वहाँ पे वो जहाँ से मैंने सिम कार्ड लिया, वो लेडी कह रही थी कि ये जगह पंजा कैंट ही थोड़ा ठंडा है, बाकी तो कोई जगह इतनी आपको ठंडा नहीं लगेगा, क्योंकि पंजा कैंट पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए तो एक तरह से वैली टाइप होता है, तो इसलिए। बाकी अभी ये मैप को देखते हुए जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हाँ ओके ओके, थैंक यू। लाइक स्ट्रेट, आई हैव टू गो स्ट्रेट, I have to go straight. Yeah, this road straight. No, no. What is this? Thank you. Yes. That side. Bravo, idea. Yeah. Thank you. Зачем снимать? Спасибо, спасибо. Вот, вы же понимаете. What? Camera good speed. Just a little bit. So, भाई ये यहाँ पे कचरा उठा रहे हैं। लग रहा है ना अभी जरा सा अलग, उज़्बेकिस्तान में भी अलग था, कजाकिस्तान में थोड़ा एडवांस था मतलब। और यहाँ पे फिर से भाई हाथ से तो नहीं है, पर वो यूज़ कर रहे हैं शवर उससे। तो अभी पहले हॉस्टल जाता हूँ, फिर ये उनको हेलो और हाय बोलूँगा। इस हिसाब से तो बस पहुंच गया अभी लग रहा है। अरे यार, काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, मतलब थोड़ा सा गांव साइड, ये बच्चे खेल रहे हैं, वाह शांत इलाका है। कहीं पर भी चलो घूमो, कोई दिक्कत नहीं। बस पहुंच गया। सलाम हॉस्टल, दिस इज सलाम हॉस्टल। ओके भाई, ये पहुंच गए। लॉक? ओह मैन, नो वन। हो गया कि बंद हो गया, ये खुला नहीं है। सो भाई अभी सभी मेरी मदद कर रहे हैं यहाँ पे। ये बैग है मेरे, वो भाई बात कर रहे हैं हॉस्टल वालों से। देखते हैं अभी फिर कहाँ मिलेगा। तो भाई ये भाई अभी मेरे को दिखाएगा वो हॉस्टल कहाँ पे है। वो भाई तो चला गया बेचारे, ने कॉल किया उनको, हॉस्टल वालों को पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे और एक हॉस्टल है, वहाँ पे आप जाइए, वो काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा आपको। पर देखिए कितना खूबसूरत लगता है जब धूप गिरती है ना, एकदम अलग ही लगता है। अच्छा बाकी ये भाई कचरा फेंकने इसके साथ में भी आ गया। तो ये सिंबल है भाई जो यहाँ की नोट के ऊपर है। हाँ, यहाँ की नोट के ऊपर ये सिंबल है, और ये यहाँ की वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, इसका नाम कुछ बताया था इन्होंने। बाकी ये भाई अभी ये भाई ले जा रहा है, यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन। ये सामने पार्क ही है, यहाँ पे आके आप खेल खेल सकते हैं। मार्केट, वेजिटेबल मार्केट। तो यहाँ पे आलू, प्याज, टमाटर। भाई 5 मिनट कह रहा था,
अभी तक चल ही रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुंचाता है। बाकी ये यहाँ पे बोट है, इसमें बैठ के वही इंडिया जैसे है थोड़ा। You both will be on YouTube. Okay? बाकी ये एम्यूजमेंट पार्क है, ये यहाँ पे बेचारे दोनों मेरे को दिखा रहे हैं, पार्क घुमाते हुए लेके जाएंगे शायद। नेम ऑफ दिस पार्क, नेम यस, वॉट इज नेम शौगी इब्राहिम नो दिस प्लेस पार्क भाई यार यहाँ पे ना इनको पूछ के पागल हो जाऊंगा। ये दोनों ऐसे हैं, वही बोलते हैं जो मैं कहता हूँ, पार्क का तो पार्क ही कहते हैं। साइकिल हाय, व्हाट हैपेंड टू हिम दैट गाय, ओके तो वहाँ पे वो भाई साहब गिरे हुए हैं दारू पी के, ये बता रहे हैं एक्शन करके। विच साइड, वेयर इज ज़राफ़शान, यहाँ पे मेरे ख्याल से रिपेयरिंग सेंटर है, टीवी ये सब इलेक्ट्रिकल आइटम रिपेयर होता है। सो इट्स क्वाइट गुड टू वॉक हियर ऑन द स्ट्रीट्स with these two young kids here, and they are very helpful here. They are walking with me and showing me the way to a hostel, as I don't know and I can't find it on the map also. So thanks to them and thanks to that guy over back who was there. Okay, but this is a hotel, so maybe we will ask him here. अभी आ जाके पूछते हैं कितना ले रहे हैं। यार मुझे चाहिए था हॉस्टल, ये ले आए होटल में, अब क्या ही करें, पूछ के देखता हूँ, नहीं तो अभी फिर मैं वही बाहर ही रुकूँगा रास्ते पे। नहीं भाई ऊपर थर्ड फ्लोर पे कह रहे हैं कि चीप है, देखता हूँ क्या चीप है और क्या नहीं। दोनों भाई तो मेरे लेके जा रहे हैं रफशान, और यहाँ पे कह रहे हैं कि चीप में मिल जाएगा, तो देखता हूँ कितना चीप देते हैं। मेरे मैं 100 से ऊपर नहीं जा सकता बिल्कुल। सो भाई ये भाई भी ब्लॉगर है, छोटे बच्चे हैं। अभी मुझे 50 सोम में मिल गया, देखो 50 सोम के अंदर हॉस्टल मिल गया, तो होटल ज़राफ़शान है पंजाकेंट में, और काफ़ी अच्छा एरिया, तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा अगर मैप पे नहीं है ये तो। तो भाई अभी हॉस्टल ले लिया है वहाँ पे होटल ज़राफ़शान ने, नाइस वो गाना गा रहे हैं, वाह देखा लोग मतलब बॉलीवुड को काफ़ी यहाँ पे प्यार करते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ इस मार्केट में से मदरसा की तरफ, या कि 17th सेंचुरी की एक मदरसा है ओलिम दोथो मदरसा, तो उसे देखने जा रहा हूँ, तो आपको वैसे ही रास्ते में दिखाता हूँ।
So this is a beautiful marketplace here. Just about 100 meters from my hostel, that is hostel Zarafshan, and I'm staying there. Yeah, there is no Wi-Fi there, but yeah, still it's cheaper. It's just 50 Tajikistani som, so it's quite good there. And I just need a place to stay. Yeah, those who want like a Wi-Fi and that thing for doing some work, then maybe they should get a higher data when they purchase a SIM card here, or else they can go to a better hostel. On maps you can't find most of the hostel. You have to walk or ask person, then you can find some hostels. There are hostels in hotels also, just like mine, which is Hotel Zarafshan. Maybe I have pronounced it before wrongly. It's Hotel Zarafshan, and in that hotel there is a hostel. So yeah, you can find it. There is an ATM here, so you can like I don't know. Yeah, here also they are accepting only Visa card and not MasterCard. So har jagah Visa ko accept karte hain, aur Visa card ko matlab, aur jo MasterCard hai wo chalta hi nahi hai yahan pe. MasterCard aapko Dushanbe mein hi chalega. To agar aap Dushanbe jane wale ho, wahan pe hi aap cash nikal sakte ho agar aapke paas MasterCard hai to. Baki kahin aapko aisa milega nahi. बाकी ये छोटी बच्ची जा रही है उसके दादाजी के साथ. ये देखो कैसे बना है. वाह, बाकी ये बंदे. अब मैं देखता हूँ कि कितना दूर है यहाँ से. तो बस अभी 100 मीटर पर आ जाएगा ये मार्केट जो है. ये 7 बजे तक खुला रहता है, तो क्योंकि मैंने वहाँ पे पूछ लिया था तब मुझे पता लग गया. और यहाँ पे फ्रूट्स भी काफ़ी है यार, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, तो मुझे पक्का यकीन है कि मुझे मिल जाएगा यहाँ पे वेजिटेरियन खाना. सो अभी सीधे सीधे वही मार्केट की जगह पे आए हैं. Hi. Are you like selling this? Good. Good. Yeah. So तो भाई ये ऐसा कुछ यहाँ से दिखता है. और अभी ये धूप गिर रही है तो पहाड़ों पर भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है सामने. तो अभी ये यहाँ से मेरे ख्याल से ये वाली ही वो मदरसा है. और दोपहर में मैं वहाँ से मैंने लिया था वो सामने, वहाँ से सिम कार्ड लिया था. सो आई परचेज द सिम कार्ड फ्रॉम देयर. देर इज़ अ मेटा फोन जैसे द कंपनी नेम, एंड देर इज़ अनदर वन दैट इज़ अ टीसेल दैट इज़ हियर. सो आई परचेज द मेटा फोन एज आई आस्क देम दैट विच वन इज़ बेटर एंड विच वन हैज़ गुड नेटवर्क. So they told me that most of the people use Meta phone. So I purchased that one for 72 Tajikistani som, in which I got 25 GB of data for 1 month. After 1 month, for foreigners, the SIM card automatically gets closed, so you won't be able to use it. So that means you have to buy another SIM card or you have to recharge again. In that one, I'm not sure if you have to like buy another SIM card or not, but surely you have to get recharged. So this is the madrasa here. So ये यहाँ पे madrasa है. और ये जैसे वो भाई बता रहे थे कि 4 बजे तक बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वही हो रहा है. वही है, बंद हो चुका है, वो चले गए वहाँ से.
बाकी यहाँ पे किताबों की दुकानें मेरे ख्याल से अच्छी है। तो मदरसा के लिए मतलब कहाँ से रास्ता है मुझे तो पता नहीं चल रहा है, पर काफ़ी अच्छी है। तो इसके भी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बाकी आप देख सकते हो उस तरफ जो पहाड़ वो दिख रहे हैं, वो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोपहर में यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, पर अभी काफ़ी शांत है। तो ये अंदर मदरसा है और उसकी एंट्री मेरे ख्याल से थोड़ी सी आगे जाके वहाँ से होगी, सो हम वहाँ से जाएंगे। सो दिस इज़ द ऑलिम डॉट कॉम मदरसा ऑफ दिस 17th सेंचुरी इन हियर। सो वी विल सी व्हाट इज़ देयर इन देयर एंड व्हाट्स द हिस्ट्री, मे बी इफ यू गेट टू रीड और मे बी सी समथिंग रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। This is how beautiful it looks in Panja Kent when you walk on these streets. The streets are quite busy and beautiful as I can see. So I will go into the madrasa. So yes, there is written something and it's beautiful and quiet. When you enter, you can see here. It's so peaceful here. Just a little of the noise of the cars that are moving and the busy streets you can hear, otherwise there is no noise. बहुत ही अच्छे से रखी हुई ये मदरसा है। There is this again some sort of minar and maybe we can get inside, maybe we can have a look from the top if possible. So yeah, the architecture of this things are quite cool. Yeah, maybe I'll just try. No, so it's locked. We can't go inside the minar, but to walk around, sit and relax, this is a very nice place. You can just come and relax if you are like visiting the market, and after visiting the market you want to like relax yourself, then you can come here. And also if you want to like take a look at it, yeah sure, beautiful. These are wooden pillars. Yes, these are wooden pillars, and this is the, I think, it is also closed, the madrasa. This is the actual madrasa. So this madrasa dates back to maybe 17th century. Yes. 17th century, and was built somewhere near around 1824 to 1826. So it is in late medieval architecture. This is more like a mosque and madrasa as well of Alima Dodho, as you can just find out with its name, Alim Dodho Madrasa. So yeah, there is this grave of Alim Dodho, and that's why it's called madrasa as well as mosque, because people come here to pray. Yeah, so it is a mosque as well. It is very busiest on Friday mornings, as you may be knowing that Friday is Jumma, as they say, so everyone comes for praying here. And this madrasa or mosque Alim Dodho sits right on the corner opposite the Panja Kent Bazaar. So the bazaar that I showed you just now, that's the Panja Kent Bazaar, and it just sits on the
opposite of the Panjaken Bazaar. So it's quite beautiful and relaxing to have a look at it and just sit here and enjoy.